मला विशेषतः या निमित्ताने पुन्हा एकदा सांगायचं आणि मी वारंवार सांगतो, ज्याचा उल्लेख माननीय रावसाहेबांनी केला, की महाराष्ट्राचं पुढचं जे एक इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर आहे ते औरंगाबाद आणि जालनाच होणार आहे. कारण इतक्या स्ट्रॅटेजिक ठिकाणी आपण बसलेलो आहोत आणि हा जो काही समृद्धी महामार्ग आहे, या समृद्धी महामार्गामुळे आपलं लोकेशन इतकं स्ट्रॅटेजिक होत आहे, त्याच्यासोबत ऑरिक सिटी आहे, आपल्या जो सगळी जमीन आहे, या सगळ्या गोष्टींमुळे आणि सगळ्यात महत्वाचं की शेवटी एक ह्युमन रिसोर्सही इथे मोठ्या प्रमाणात तयार झालेला आहे. कारण इंडस्ट्री इथे आहे आणि त्या इंडस्ट्रीने एक ह्युमन रिसोर्स तयार केलेला आहे. आणि म्हणून मला विश्वास आहे की आपण जर या सगळ्या बँकिंग सोबत जोडून घेतलं आणि मगाशी एक गोष्ट सांगितली की हे खरंच आहे की आपल्याला शेवटी अनेक गोष्टी असतात. एखादा प्रोजेक्ट आपण ज्यावेळेस तयार करतो त्यावेळेस त्या प्रोजेक्टमध्ये कधी लँडचे प्रॉब्लेम येतात, कधी अजून वेगवेगळे प्रॉब्लेम येतात. समृद्धी महामार्गाच्या वेळी ज्यावेळेस आम्ही त्याचं काम करायचं ठरवलं, पहिलं काम जर मी काही केलं असेल तर त्याला वेगवेगळ्या खात्यातनं पैसे देऊन 9 महिन्यामध्ये 700 किलोमीटरचा ग्रीनफील्ड रोडची सगळी जागा, इंच अँड इंच ऑफ लँड वॉज एक्वायर्ड इन 9 मंथ्स. 9 महिन्यामध्ये सगळी जागा एक्वायर केली आणि मी जागा एक्वायर करून बँकर्सकडे गेलो. त्यामुळे मी जर जागा एक्वायर न करता अगर मैं बँकर्स के पास चला जाता तो बँक मुझे पैसा नहीं देती. आप सभी लोग उस कई लोग आप तो थे ही उस मीटिंग में कि मैंने कहा था कि मैं इसको एक्वायर करके आपके पास आऊंगा. और जैसे एक्वायर करके हम गए, सबसे पहले तो स्टेट बैंक ने हमको 8,000 करोड़ रुपए उस समय दिए और मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कमी नहीं है, बैंकों के पास पैसा है ही 100% है. हम किस प्रकार से बैंकेबल प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं ये बहुत महत्व का है. और देखिए पिछले समय जिसका यहां उल्लेख हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर डायवर्शन ऑफ फंड्स हुआ है. आज बैंकें कई बार इसलिए भी पैसा नहीं देना चाहती कि या ज्यादा सिक्योरिटी मांगती है क्योंकि एवरीबडी इज एंसरेबल. एक बड़ा उसमें फिर आगे सारी चीजें चलती रहती है. तो इसलिए मुझे लगता है कि हम ठीक से बैंकेबल प्रोजेक्ट्स लेकर जाएंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो, निश्चित रूप से बैंकों से हम लोगों को पैसा मिल सकता है. और मैं तो हमेशा कहता हूं जिस समय हमारी सारी बैंकें बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत पैसा हमारी बैंकों के पास था, उस समय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया था और मैंने उनको कहा था कि आप महाराष्ट्र को 3 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं सारे प्रोजेक्ट देता हूं और वो 3 लाख करोड़ रुपए रिपेमेंट का मैं आपको शेड्यूल भी देता हूं और वो सारे पैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कंज्यूम करेंगे और हम आपको वो पूरा पैसा वापस देकर गए. क्योंकि मेरा अपना यह दावा है कि महाराष्ट्र जैसा जो स्टेट है और उस समय कई पैसा हमको मिला, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर. आज हमारी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आप देखिए, 2018 में एक ड्वाइज बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश किया और 2019 में उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से 49% प्रोजेक्ट अकेले महाराष्ट्र में. ये क्यों हो पाया? तो हम लोगों ने बैंकर्स के साथ बैठकर हमने उसको फाइनेंसिंग उसको करवाया, हमने नए नए मॉडल लाए, लैंड सिक्योरिटाइजेशन के मॉडल हमने उसके अंदर लाए.